हाय एवरीवन, आई एम देव श्रीवास्तव। देव ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो बहुत से लोगों को कमेंट आया हुआ था कि 10 गियर का गाड़ी 10 गियर कैसे होते हैं और 10 गियर कैसे लगते हैं और उसको किस तरह से लगाया जाता है। तो आज आपको बताते हैं कि 10 गियर वाला गाड़ी किस तरह से 10 गियर लगाए जाते हैं और ये 10 गियर लगाने के क्या फंक्शन है, इसको किस तरह से लगाए जाते हैं, तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये देखिए सी गियर है। तो सी गियर को जब हद से ज्यादा चढ़ाई हो जाता है या तो कहीं गाड़ी फंस जाती है जहाँ पे ताकत नहीं मिल पाती है गाड़ी को, तो उस जगह पे हमेशा याद रखें कि ये आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है। ये जो आपको स्विच दिखा रहा है, ये देखिए, ये स्विच है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो ये हाई और ये लो, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या काम आता है हाई और लो के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये लो में है, तो लो का फंक्शन क्या है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो लो का फंक्शन ये है कि सबसे पहले सी गियर है हमारा। सी गियर को सबसे पहले सी गियर लगाया जाता है इस तरह करके। ये सी गियर लग गया, ये जब ज़्यादा चढ़ाई होता है या ज़्यादा रमल होता है या तो उस जगह पे कीचड़ होता है जहाँ पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उस जगह पे सी गियर लगाया जाता है ताकि गाड़ी का ताकत ज़्यादा मिले और गाड़ी उस जगह से निकल सके। और सी गियर के जस्ट अपोजिट, मान लीजिए अगर हम इस तरह से सी गियर लगा दिए हैं, तो उसके जस्ट बैक साइड पे अगर हम इस तरह बैक करेंगे, तो इस तरह बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बैक गियर लग गया। यानी कि पीछे की ओर करेंगे तो रिवर्स लग जाएगा, हमारा गाड़ी रिवर्स जाएगा। और जब ये न्यूट्रल इस तरह का रहेगा, बिल्कुल कोई सा भी गियर नहीं लगेगा, तो अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से पीछे करते हैं तो ये एक नंबर लग गया। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये एक नंबर लग गया, ये फिर से न्यूट्रल हो गया। हम फिर से क्लच दबाएंगे, अगर फिर से हम इसको आगे करेंगे जस्ट जहाँ पे न्यूट्रल है वहां पे, तो ये दो नंबर लग जाएगा। सिंपल है, ये दो नंबर लग जाएगा। फिर से वापस छोड़ दिए इसे, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से अगर हम इसको इस तरह करके दूसरे साइड धकेल के अगर हम पीछे की ओर करते हैं तो ये तीन नंबर लग जाएगा। और फिर से ये न्यूट्रल हो गया, और फिर से क्लच दबा के फिर से हम इसको आगे की ओर धकेल के करते हैं इधर, तो ये चार नंबर लग गया। तो ये इसका फंक्शन है जब ये लो में रहेगा, यानी डाउन के साइड रहेगा। ये जो आपको स्विच बताए थे, ये जो हाई और लो का स्विच बताए थे, जब ये डाउन साइड रहेगा तो ये इस तरह का फंक्शन करेगा। यानी कि इसमें से आप यूज कर सकते हैं 6 गियर, जिसमें से आता है एक सी, एक रिवर्स और एक नंबर, दो नंबर, तीन और चार। यानी कि सी गियर हो गया एक फास्ट, जो कि ज्यादा ताकत लगती है जब गाड़ी को चलाने का काम आता है, कहीं फंस जाता है या चढ़ाई में जहां सारा गियर फेल हो जाता है, कोई काम नहीं करता है, तो वो सी काम करता है। उसके बाद रिवर्स दो हो गए, और 1 2 3 4 चार। यानी कि जब ये लो में रहेगा तो आपका 6 गियर काम करेगा, ठीक है, 6 गियर काम करेगा। और अगर इसको हम हाई पे कर दिए, जब हाई पे कर देंगे तो ये क्या है, जहां पे एक नंबर हमारा रहेगा, ठीक है, वहां पे सीधा 5 नंबर लग जाएगा। ये 5 नंबर लग गया, और जहां पे 2 नंबर रहेगा वहां पे 6 नंबर लग जाएगा, और जहां पे 7-3 नंबर रहेगा वहां पे हमारा 7 नंबर लगेगा, 3 नंबर रहेगा वहां पे हमारा 7 नंबर लगेगा, और जहां पे 4 नंबर रहेगा, 4 की ओर, वहां पे 8 नंबर लगेगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब ये हाई पे रहेगा, अगर हाई पे नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। और ये जो आपको 10 गियर का गाड़ी है, बहुत सारे में आते हैं, और आज वो टिप्पर हो गया, हाईवा हो गया, ट्रक हो गया, और क्रेन, बहुत सारे क्रेन हो गए। और ये जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ, ये XCMG मोबाइल क्रेन है, जो कि 50 टन का क्रेन है, उसका फंक्शन है ये। इतना सारा इसका फंक्शन है जो कि आता है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये इसका फंक्शन है। यानी कि 10 गियर का, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है जो कि 10 गियर इस तरह से लगते हैं इस क्रेन का। 6 में से सबसे पहले तो सी गियर है, जो कि हम सी गियर आगे की ओर इस तरह लगाएंगे तो सी गियर लग जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको बैक गियर में लगा सकते हैं, ये बैक गियर लग जाएगा। उसके बाद से फिर एक नंबर है जो न्यूट्रल के करीब में रहेगा, वो न्यूट्रल के एक नंबर आ जाएगा, फिर से न्यूट्रल होगा, बिल्कुल आगे की ओर ढकेलेंगे तो दो नंबर लगेगा,
उसके बाद फिर से न्यूट्रल है, न्यूट्रल से जस्ट दूसरी साइड ढकेल के फिर से पीछे करेंगे तो 3 नंबर लगेगा, उसके बाद फिर से न्यूट्रल है और फिर से वापस उधर ही जाएंगे दूसरे साइड और ढकेल के आगे करेंगे तो 4 नंबर लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये स्विच, ये जो आप स्विच देख रहे हैं, ये स्विच जब डाउन की ओर रहेगा, ये स्विच जब डाउन की ओर रहेगा तो मेरा 6 गियर काम करेगा, यानी कि एक सी गियर काम करेगा, रिवर्स करेगा, 1 नंबर करेगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर काम करेगा। स्विच को फिर से अगर हम हाई कर देते हैं तो हाई कर देने के बाद वापस हम अगर फिर से अगर गियर लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए 1 के ऊपर 5 है, 2 के ऊपर 6 है और 3 के ऊपर 7 है और 4 के ऊपर 8 है। तो जब हम इसको हाई कर दिए हैं, अभी जब हाई कर दिए हैं तो हमको अगर 1 नंबर आप यहाँ पे हमारा नहीं लगेगा, 1 नंबर के जगह पे अगर लगाएंगे तो ये 5 नंबर लगेगा और 2 नंबर के जगह पे लगाएंगे तो 6 नंबर लगेगा। उसके बाद फिर से अगर हम इधर करके 3 नंबर के जगह पे लगाएंगे तो 7 नंबर लगेगा और इस साइड पे फिर से 4 नंबर के जगह पे लगाएंगे तो 8 नंबर लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है जब ये हाई पे रहेगा स्विच तो फिर से 4 गियर ही काम करेगा, जिसमें से 4 गियर हाई पे रहने पे काम कौन सा करेगा, यानी 5, 6, 7 और 8, ये 4 गियर काम करेगा। और जब ये लो पे रहेगा तो फिर 6 गियर काम करेगा। बस ये 10 गियर का यही है सिस्टम इसमें और कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी गाड़ियां में ये सब आती हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और मैं कोशिश करूंगा आगे और भी कुछ जानकारी आप लोगों को नए नए मशीन पे दे सकूं और भी कुछ आप लोगों को बता सकूं।